एक समय की बात है, एक मूर्तिकार था जिसकी शोहरत देश विदेश में थी। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जो देखने में बिल्कुल असली दिखती थी। उसे इस बात का घमंड था। जब मूर्तिकार को लगा कि उसकी मौत नजदीक है तो उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए हूबहू अपने जैसी 11 मूर्तियां बनाई और उनके बीच जाकर बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आया तो पहचान नहीं पाया कि इनमें से असली इंसान कौन है। उसने सोचा कि अगर मूर्तिकार प्राण ना लिए तो सृष्टि का एक नियम टूटेगा और मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान होगा। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि काश अगर मूर्तियां बनाने वाला मिलता तो उसे बताता कि मूर्तियां तो सुंदर हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां हैं। यह सुनते ही मूर्तिकार का घमंड जाग उठा और वह उठकर बोला कि मेरी कला में कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैंने जीवन भर मूर्तियां बनाई हैं। यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही गलती कर गए तुम अपने घमंड में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी भी काम में कितनी ही महारत हासिल क्यों ना हो, उसका घमंड उसका महत्व खत्म कर देता है।